Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Lohe Savasahunam. Kamma Kalankuttinnam. Vibuddha Savatthamuttavatthamanam. Namiunau Sahasenam. Kalaniyogam Banesamo. Shatkhandagam ke aadhar se hum yahan kal anuyog dwar ki charcha kar rahe hain. Usme jo parivartan shabd aata hai ki yah samsar samsari jeev anadi se ye paancho hi parivartan karte aaya hai. To kitne baar usne kiye hain to ananto baar kiye hain. Sabhi parivartan usne ananto baar किए हैं और उसी का यहां हम वर्णन देख रहे हैं. हमने द्रव्य परिवर्तन यानी पुद्गल परिवर्तन का स्वरूप विस्तार से देखा. अभी क्षेत्र परिवर्तन को देखने जा रहे हैं. क्षेत्र परिवर्तन दो प्रकार से बताया जाता है, एक स्व क्षेत्र परिवर्तन और एक पर क्षेत्र परिवर्तन. स्व क्षेत्र में क्या लेना, तो जीव की अवगाहना लेना, क्योंकि संसारी जीवों की बात है, देहधारी जीव है, तो देह ने जितनी स्पेस जितनी आकाश का जितना क्षेत्र रोका है उसको कहते हैं अवगाहना. वो कितनी बड़ी या छोटी है उसकी बात यहाँ चलेगी. यानी इसका यानी कैसे उसको गिनना, तो सबसे छोटी अवगाहना से शुरू करेंगे. यानी कि कोई जीव सबसे कम छोटी अवगाहना के साथ उसने जन्म लिया, फिर वो जन्म चला गया, फिर दोबारा जब उसने जन्म धारण किया तो उस अवगाहना से एक प्रदेश अधिक वाली अवगाहना के साथ ही उसको जन्म लेना है. उससे हीन या उससे अधिक हो जाए तो उसका काल तो गिनेंगे हम, परंतु उसको हम अनुक्रम में नहीं गिनेंगे. हो सकता है कि उतनी ही अवगाहना उसको अनंत काल में न भी प्राप्त हो, ये भी संभव है. तो जब कभी प्राप्त होगी तब उसको अनुक्रम में लेंगे हम. बिना अनुक्रम से कितने ही अलग अलग अवगाहना उन जीवों को प्राप्त होगी, क्योंकि ये तो संभव बात है. एक ही प्रदेश बढ़कर दूसरी बार दूसरी अवगाहना से जन्म लेना ये तो असंभव जैसी बात है. क्रम सही थी वैसे लेनी चाहिए. तो बीच में भटक भटक कर अन्य अन्य अवगाहना के साथ जन्म मरण करके जब उस जगन्य से एक अधिक प्रदेश वाली अवगाहना मिलेगी तब उसको हम अनुक्रम में ले लेंगे. उसके बाद फिर वो जन्म चला गया. अब तीसरी बार जन्म लेना है तो दो प्रदेश अधिक वाली अवगाहना चाहिए. इस तरह से ये पूरा ही साइकिल उसको पूरा करना है. कब कहाँ तक, उत्कृष्ट अवगाहना तक, महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना तक. फिर लौटकर वो सूक्ष्म में आना चाहिए. परिवर्तन करने के लिए पहले पॉइंट पर फिर दोबारा लौटना चाहिए, तब जाके एक स्व क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है. उस जीव का, एक जीव की बात ही चल रही है पर, नाना जीवों की बात नहीं, एक ही जीव की बात है. सूक्ष्म एकेंद्रीय से लेके महामत्स्य. हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रीय से कौन सा, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त, वो भी निगोद और उसकी भी जघन्य अवगाहना. क्योंकि हर पर्याय यानी अकेले निगोद में भी, वो भी सूक्ष्म निगोद में भी अवगाहना के कितने सारे भेद है ये इस टेबल के द्वारा हमें पता चलता है. दोपहर में बहुत भारी हो गया था. अभी मात्र टेबल के आधार से हम पढ़ेंगे. वो बीच में उसके वर्णन पढ़ते हैं तो कहाँ की बात क्या चल रही है वो ख्याल में नहीं आती है ना. तो उसको थोड़ा सरल करके फिर समझेंगे हम. यहाँ ये बात है कि हमने इसमें 12 कोठे बनाए थे. उस कोठों के नंबर तो उस 188 पृष्ठ पर लिखे हैं. कहाँ उसके शॉर्ट फॉर्म है यानी वहाँ तो सूक्ष्म ये भेद एक बार एक नाम लिखा, उसके बाद नी लिखा. नी का अर्थ होता है निगोद.
वहाँ का अर्थ होता है सूक्ष्म वायुकायिक, क्योंकि सूक्ष्म शब्द हर एक के साथ लगा लेना। यहाँ बोर्ड पर लिखा था ना, हाँ है ना, अभी तक पहले कोठे में जो पांच नाम लिखे हैं वे कैसे हैं? सूक्ष्म एकेंद्रीय में सूक्ष्म निगोद, ये सारे ही लब्धीय पर्याप्त है। पहले कोठे में ये सारे सूक्ष्म जीव जो एकेंद्रीय लिखे हैं वो कैसे है? लब्धीय पर्याप्त है। वो निगोद वाक अर्थ होता है सूक्ष्म वायुकायिक, ते का अर्थ होता है सूक्ष्म तेजसकायिक यानी अग्निकायिक, उसके बाद ओ यानी सूक्ष्म अपकायिक यानी जलकायिक, और उसके बाद भू यानी पृथ्वीकायिक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक। ये जो पांच प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, अभी आप पेज नंबर 188 निकालो, उसमें एक नंबर का कोठा है, उसमें यही पांच नाम है। देखो सूक्ष्म निगोद लिखा है, उसके बाद एक नंबर डाला है, नाम के पश्चात नंबर डाला है, यानी नंबरिंग नाम के पश्चात है। जब हम कोई आपको नंबर देखने को बोलेंगे या कोई नाम देखने को बोलेंगे उसका नंबर पूछेंगे, तो ये ख्याल में रखना कि पहले नाम लिखा है बाद में उस नाम का नंबर लिखा है। तो सूक्ष्म निगोद एक नंबर पर है, दो नंबर किसका है यहाँ पर? सूक्ष्म वायुकायिक का, तीन नंबर सूक्ष्म तेजसकायिक यानी अग्निकायिक का, चार नंबर सूक्ष्म अपकायिक का, पांचवा नंबर सूक्ष्म पृथ्वीकायिक का। अब इन सब के क्या क्या पांच अपर्याप्तों की जघन्य उगाहना, ये पहले कोठे में लिखी है, उसका अर्थ क्या है? और इसको क्या कहा था? वो असंख्यात गुणा क्रम से है, यानी पहले नंबर से, अभी हम उसको निगोद वगैरह नाम नहीं लेंगे, पहले नंबर से दूसरे नंबर की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है। उसके लिए हम नाप क्या बताया था? आवली का असंख्यात अभाग गुणा है। ये प्रश्न एक आया था कि आवली क्या है, आवली समय है कि क्षेत्र है कि क्या है, क्योंकि आवली तो हमने देखा था कि जघन्य उगता संख्यात इतने समयों को आवली कहा था, और आप यहाँ कुछ अलग बात बता रहे, इतने गुना इतने आवली वगैरह वगैरह। तो प्रश्न था आवली काल है या क्षेत्र है, इसका उत्तर हम देखेंगे 251 पृष्ठ पर, इसी पुस्तक में, हाँ 251। देखो जहाँ श्लोक लिखा है ना उसके नीचे एक पैराग्राफ छोड़कर आगे, पेज नंबर निकाला 251, जहाँ वो बोल्ड लेटर में श्लोक लिखा है उसके आगे का एक पैराग्राफ छोड़ देना, उसके नीचे इस तरह मान का वर्णन किया। ये क्या मान होता है? क्रोध मान, मानवाया मान, तो मराठी में मान यानी ये मान, हमारी मान यानी वो, हाँ डोक डोक डोक, गुजराती वाली डोक, अंग्रेजी वाली नेक, हाँ वो मान नहीं है। मान शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, और कोई अर्थ मालूम है? मान यानी मेजरमेंट, माप माप, और कोई? ज्ञान, हाँ मान यानी ज्ञान। लघु तत्व स्फोट में लिखा है भगवान को माता कहा, क्यों? वो ज्ञाता है इसलिए। मान से माता, जैसे ज्ञान से ज्ञाता होता है वैसे मान से माता शब्द हुआ है। माता यानी हमारी माता जन्मदाती, वैसे नहीं। तो यहाँ मान का अर्थ क्या है? मेजरमेंट माप। इस तरह मान का वर्णन किया, यानी ये पर्याप्ति प्ररूपना में शुरुआत में मान यानी उसमें को संख्या मान कहते हैं, संख्याओं के भेद जैसे संख्यात असंख्यात और अनंत आदि, तो उसको संख्याओं में भी बताया। फिर कहीं कहीं उपमा देकर संख्याओं को बताया, जैसे गड्ढा अगर किया पल्ले किया और उसमें उपमा देकर समझाया, उसको कहेंगे उपमा मान। पल्ले है, सागर है, लोक है, ये क्या है? सारे उपमा मान है। तो कहते इस तरह मान का वर्णन किया, वो यहाँ तक कर चुके हैं। इस प्रकार मान के भेदों द्वारा, मान यानी ये जो संख्या आदि है उनके भेदों के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण करते हैं। द्रव्यों को बताने के लिए जब कोई मेजरमेंट यानी संख्या बताएंगे, जैसे हम कहेंगे यहाँ उदाहरण जो दिया है कि 1000 लोग इकट्ठे हुए हैं,
यानी हजार अलग अलग लोग हैं ना, वो पदार्थ जुदे जुदे हैं। जैसे हम कहेंगे हमारे पास क्या 500 क्या है रुपए है, परंतु वो 500 रुपए की नोट भी हो सकती है, परंतु यहाँ हमें कॉइन्स है अगर हम कहेंगे तो वो 500 अलग अलग है। परंतु अगर हम कहेंगे ये देखो यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा, जहाँ द्रव्य का प्रमाण हो वहाँ उतने पदार्थ जुदे जुदे जानने। यानी हम कहते हैं जीव कितने हैं तो अनंत है, तो अनंत जीव जुदे जुदे हैं। काल द्रव्य कितने हैं असंख्यात है, तो वो असंख्यात कालानु जुदे जुदे हैं। इस तरह ये द्रव्य का मान यानी पदार्थों का प्रमाण जब कहेंगे वहाँ वे पदार्थ अलग अलग है। हम कहें हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो वो 100 अलग अलग है। ये हुआ द्रव्य का प्रमाण। जहाँ क्षेत्र का प्रमाण हो वहाँ उतने प्रदेश जानने। जब हम कहेंगे जीव कितने प्रदेशी है तो कहते असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी कहने पर वहाँ असंख्यात जुदे जुदे है कि नहीं है, नहीं है। ये हॉल कितना बड़ा है, कितने स्क्वायर फीट वाला है, स्क्वायर फीट में पूछा हमने 2000 कुछ भी कहो ना, हमें क्या, हमें थोड़ा ही गिनना है। तो उसमें 2000 टुकड़े है कि नहीं है, नहीं है, वो अखंड है। क्षेत्र हम भले प्रदेशों में नापेंगे या इंचों में नापेंगे या तो स्क्वायर फीटों में नापेंगे, वहाँ टुकड़े नहीं है। द्रव्य को जब कहेंगे संख्या में तो वो प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा है। जब क्षेत्र को हम किसी यूनिट में बताएंगे तो वो क्षेत्र पूरा अखंड है, उसके यूनिट्स बना के उसका नाप बना के हमने स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर को जो कुछ है उसमें हमने बताए। देखो यहाँ लिखते हैं जहाँ द्रव्य का प्रमाण हो वहाँ उतने पदार्थ जुदे जुदे जानने, जहाँ क्षेत्र का प्रमाण हो वहाँ उतने प्रदेश जानने, और जहाँ काल का प्रमाण हो वहाँ उतने समय जानने। ये भी काल अखंड है, उसमें भी टुकड़े टुकड़े नहीं है काल के। जैसे क्षेत्र अखंड है उसको हमने प्रदेशों का यूनिट बना के बताया, वैसे काल भी कितना काल बीत गया, हमारा एक लेक्चर एक घंटे का हुआ तो अखंड एक घंटे तक चला ना काल, के टुकड़े 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 हुए उसके, तो काल भी। फिर भी काल को हम ऐसा बताते ऊर्ध्व, और क्षेत्र को ऐसा बताते फैला हुआ, है ना। और जहाँ भाव का प्रमाण हो वहाँ उतने अविभाग प्रतिच्छेद जानने। भाव ये नहीं हो पर्याय में जो प्रकट उसकी पर्याय है उसकी शक्ति बताई जाती है, वहाँ उसको अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं। इसी का दृष्टांत दिया उन्होंने, जैसे हजार मनुष्य है कहते हैं वहाँ वे हजार जुदे जुदे जानना, वैसे द्रव्य प्रमाण में जुदे जुदे पदार्थ प्रमाण जानना। अब क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे वस्त्र 20 हाथ है कहते हैं, हम कहेंगे 20 मीटर कहेंगे हम, वहाँ उस वस्त्र में 20 अंश जुदे जुदे नहीं है, परंतु एक हाथ जितना क्षेत्र रोकता है उसकी कल्पना करके 20 हाथ कहते। उस जमाने में हाथ का माप चलता था। उसी प्रकार क्षेत्र प्रमाण में परमाणु जितना क्षेत्र रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं, उसकी कल्पना करके क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं। जब हम कहेंगे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो एक एक परमाणु एक एक प्रदेश रोकता है ना, तो उस एक प्रदेश की हम उसका यूनिट बनाएंगे, उसकी कल्पना करेंगे तो आत्मा कितने प्रदेशी है, तो कहेंगे असंख्यात प्रदेशी। पर है वो आत्मा एक अखंड द्रव्य, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं है वहाँ पर। आगे काल की बात करते, जैसे एक वर्ष के 366 दिन रात्रि कहते हैं वहाँ अखंडित काल प्रवाह में अंश नहीं है, परंतु सूर्य के उदय अस्त की अपेक्षा कल्पना करके कहते हैं, वैसे काल प्रमाण में जितने काल में परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है उस काल को समय कहते हैं, उस अपेक्षा कल्पना करके काल का प्रमाण कहते हैं। और भावों में वहाँ उन्होंने सोने का उदाहरण दिया, वो वान यानी वान कहते हैं यानी 16, पहले 16 आने का रुपया था तो 16 आने में बताते थे, 100% के लिए 16 आने कहते थे।
आजकल के ज़माने में हम 24 कैरेट कहते हैं, बात एक ही है। तो ये भाव के लिए वो बताया जाता है। यहाँ तो ये अविभाग प्रतिच्छेद जो केवल ज्ञान गम्य जो बातें हैं उसमें वो गिने जाते हैं। हमारा क्वेश्चन का यानी प्रश्न का उत्तर तो आगे आता है। देखो, जहाँ क्षेत्र प्रमाण में आवली का प्रमाण कहते हैं, यही प्रश्न था ना, अभी किसने पूछा था मुझे याद नहीं है, आपका प्रश्न था। तो जहाँ क्षेत्र में कहेंगे आवली प्रमाण क्षेत्र है, वहाँ आवली के जितने समय होते हैं उतने वहाँ प्रदेश जानना, और जहाँ काल गिनने के लिए आवली कहेंगे तो वहाँ वो जघन्य युक्ता संख्या प्रमाण वो समय जानना। सब में ऐसा ही समझना। जब हम कहेंगे असंख्यात लोक, तो असंख्यात लोक कहने से क्षेत्र भी होता है। जब असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र कहेंगे तो उतने प्रदेश जानना, और जब असंख्यात लोक प्रमाण काल कहेंगे वहाँ उतने समय जानना। असंख्यात लोक ये तो संख्या है, जैसे चार ये हमारी संख्या है, तो चार ये संख्या है, और हमने कहा कि वो चार गुना है, तो चार गुना क्या है, तो कहेंगे हम हमारा घर आपके घर से चार गुना बड़ा है, या ये हॉल हमारे घर से चार गुना बड़ा है। ये चार गुना बड़ा हमने क्षेत्र के लिए कह दिया, तो काल के लिए भी कह सकते हैं कि हमने तो 6 दिन का शिविर किया, इससे 4 गुना बड़ा करेंगे। तो क्या हुआ, हमने काल बताया, आप कहेंगे इतना ही बस हो गया। ये कोई भी आवली हो या जो कोई यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो संख्या बताने वाली बातें हैं। और इतनी संख्या में प्रदेश कहो तो क्षेत्र हो जाता है, इतनी संख्या में समय कहो तो काल हो जाता है। भावों में तो अनंतों में होते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, इसलिए उसको आवली वगैरह शब्द नहीं लगाते। अब ये अपने प्रश्न का उत्तर हुआ। और भी एक प्रश्न पूछा था, बोल देते हैं। ये प्रश्न पूछा था, अभी कमठ कहाँ है? आप ही कहो, कमठ का जीव अभी कहाँ है? मोक्ष गया? अरे वाह, बहुत अच्छा। कहाँ का था वो? यक्ष था ना? हाँ, वही पर होगा ना, भवनवासी था। कौन था वो? व्यंतर था, व्यंतर था। व्यंतरों की आयु कितनी होगी? कम से कम 10,000 वर्ष की होगी। पार्श्वनाथ होके कितने दिन हो गए? 3 है लगभग 3 है। तो हो सकता है वो कमठ की पर्याय में हो, है ना? 3,000 वर्ष में तो मरेगा नहीं वो। हाँ, वही वही, वो संवर नाम का जो देव था। हाँ, कमठ की नहीं कहेंगे हम, संवर देव की पर्याय में। हाँ, अभी हम अपना टेबल देखेंगे। ये हमने पहले कोठे की बात देखी। पहले के कोठे की बात क्लियर हुई? सूक्ष्म निगोद की जो जघन्य अवगाहना है, उसमें एक प्रदेश बढ़कर दूसरी अवगाहना होगी, 2 प्रदेश बढ़कर तीसरी होगी, 4 प्रदेश बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, वो 2 गुना होगी, 4 गुना होगी, कितने ही गुना होते होते असंख्यात गुना हो जाती है। अभी भी निगोद की ही अवगाहना के भेद चल रहे, तब जाके सूक्ष्म वायु काय की जघन्य अवगाहना वहाँ से शुरू होगी। परंतु अभी निगोद के अवगाहना के भेद चलते ही रहेंगे उसके साथ साथ, यानी उस पर्टिकुलर अवगाहना वाले वायु का एक भी हो सकते हैं और सूक्ष्म निगोद भी हो सकते हैं। अभी वो दोनों में एक एक प्रदेश की वृद्धि वाले अवगाहना के भेद चलते चले जाएंगे। कहाँ तक? उससे भी असंख्यात गुणा समझते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन में। हाँ, उसको आवली का असंख्यात भाग कहा है, हम उसको केवल असंख्यात गुणा कह रहे हैं, क्योंकि वो आवली विवली समझते हैं ना, तो थोड़ा टेंशन आ जाता है ना, तो समझना है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवली के असंख्यात वे भाग वाला जो असंख्यात है उतने गुणा। तो ऐसे 1 से 2 असंख्यात गुणा हुआ, 2 से 3, 3 का अर्थ है तेजस का एक की जघन्य उगाना, वो उससे असंख्यात गुणा हो गई। उससे 4 नंबर पर क्या है यहाँ पर?
अपकायिक यानी जलकायिक की जघन्या उगाना, कौन से सूक्ष्म जलकायिक की जघन्या उगाना, उससे असंख्यात गुना। पांच नंबर पर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक की जघन्या उगाना, उससे भी असंख्यात गुना। यहाँ तक समझ में आई बात? बिल्कुल आसान है। और इसमें जो असंख्यात का प्रमाण है वो आवली के असंख्यात पे भाग वाला असंख्यात है। वही वही पहले से दूसरा आवली का असंख्यात वा भाग गुना, दूसरे से तीसरा आवली का असंख्यात वा भाग गुना। मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन एक के जघन्य से दूसरे का जघन्य मल्टीप्लीकेशन में। परंतु ये दो के बीच में जो पहले नंबर के ही अवगाहना के भेद चलेंगे, क्योंकि उसके एक एक प्रदेश के अवगाहना बढ़ने वाले सभी अवगाहना के भेद पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका असंख्यात वाला एकदम जम करके वो अवगाहना मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम जब कहेंगे कि एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के भेद सहित वो जन्म लेगा, तो अभी असंख्यात बार तो ये निगोद के ही चलेंगे ना, असंख्यात गुणा का बढ़ने तक, और वो भी एक एक प्रदेश से वृद्धि होनी चाहिए। निगोद भले वो निगोद का निगोद में रहा, परंतु उसकी अवगाहना उतनी ही होगी एक प्रदेश से बढ़कर, ये तो कुछ कह नहीं सकते हम। ये बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही? निगोद का पूरा नहीं होगा, निगोद की अवगाहना होते 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 वो असंख्यात भेद चले जाएंगे, तब जाके वायु का एक की शुरू होती है, परंतु वहाँ निगोद की भी चल ही रही है। हाँ, वहाँ वो वायु का एक होता है कि निगोद होता है, उससे कुछ मतलब नहीं, वहाँ हमको अवगाहना की तरफ देखना है। क्योंकि कितने ही अवगाहना के ऐसे भेद हो दिए जो वायु के भी हो गए और निगोद के भी हो गए। घनांगुल का असंख्यातवा भाग सूक्ष्म निगोद की हमने पढ़ा ना। अब ये पांच नंबर से छह नंबर पर किसका नाम लिखा है देख के बताना आपको। बादर वायु कायिक कौन है, वो पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? अपर्याप्त है, लास्ट लाइन में लिखा है ना उसी कॉलम में। तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो सूक्ष्म है ना, आंखों से तो दिखाई नहीं देते, तो उसका हम उदाहरण कैसे आपको देंगे? सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म जलकायिक भी, ये जो बादर जलकायिक है वो अनेक बादर जलकायिकों के शरीरों का समूह हमें एक बूंद की तरह दिखाई देता है। एक जो बूंद है वो उसमें क्या है, तो बादर जलकायिक प्रत्येक शरीर वाले होते हैं वो, और वो इतने सारे असंख्यातों का समूह मिलकर एक बूंद होती है। एक बूंद यानी एक शरीर नहीं है, वहाँ असंख्यात शरीर है, अलग अलग, प्रत्येक में जीव अलग अलग है। हाँ, चिंगारी जो दिखाई देती अग्नि की, वहाँ बादर अग्नि का एक जीवों के असंख्यात शरीरों से मिलकर एक चिंगारी दिखाई दे रही है। यानी इनकी अवगाहना इतनी सूक्ष्म है, वो तो भी बादर की बात चल रही है, अपर्याप्त नहीं, पर्याप्तों की है। असंख्यात एक जीव एक शरीर, इनकी अवगाहना छोटी है इतनी। तो हमने जो पांच नंबर पर देखा था उससे और भी सूक्ष्म पृथ्वी कायिक को देखना है। पूरा जो महास्कंद है वो कौन से कायिक से बना है? सूक्ष्म और बादर पृथ्वी कायिक को मिलकर पूरा एक महास्कंद बना है, लोकाकाश प्रमाण। ये पांच नंबर पर थे हम, वहां से छह नंबर कितने गुना होगा, तो असंख्यात गुना। परंतु यहाँ असंख्यात का प्रमाण बड़ा है, पल्ले के असंख्यात पे भाग वाला असंख्यात, आवली वाला नहीं, पल्ले वाला। फिर छः से सात ये सारे बादर बादर है, तो छः से सात पल्ले के असंख्यात पे भाग गुना, सात से आठ ऐसा ही बादर से बादर है, स्वस्थान है परंतु बादर का है, इसलिए पल्ले के असंख्यात पे भाग गुना। तो छः से सात हम उसको असंख्यात कहेंगे, असंख्यात गुना। सात से आठ असंख्यात गुना, आठ से नौ असंख्यात गुना, नौ से दस असंख्यात गुना, दस से ग्यारह असंख्यात गुना। अब यहाँ से फिर हम जाएंगे तीसरे ग्रुप की तरफ, ग्यारह से बारह वो भी असंख्यात गुना, क्योंकि ये बादर ही हैं सारे। ये बारह से तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह ये सब असंख्यात असंख्यात गुना हो जाएंगे।
क्योंकि हमने देखा ऊपर के आड़े कॉलम में सभी जो है वो तो गुणित प्रमाण में. अभी देखो 16 तक आए ना हम, तो पहला दूसरा और तीसरा कोठा पूरा हुआ. अब 4 नंबर के कोठे में हमको देखना है. अब इससे आगे थोड़ी बात विशेष है समझने जैसी. ऐसा ही हम नहीं कहेंगे हर कोठे में. अब 16 के बाद नंबर है 17 का. वहाँ किसका नाम लिखा है 17 नंबर पर? सूक्ष्म निगोध. और वो भी कौन है? पर्याप्त है. वहाँ का हमने उस कॉलम का अ निकाल दिया था. सबने अपने अपने पुस्तक में किया कि नहीं पता नहीं है, करना चाहिए. तो ये सूक्ष्म निगोध को 17 नंबर पर है. वो 16 नंबर से वो असंख्यात गुना है. यहाँ तक बात ख्याल में आई ना? अब 17 नंबर के बाद नंबर किसका है? 28 नंबर है. 28 नंबर पर कौन है जरा देख लो. हाँ, अभी ये जो वर्टिकल कॉलम है ना 4, 5, 6, जिस पर्याय की बात करेंगे हम, सूक्ष्म निगोध को चौथे में लेना, फिर सूक्ष्म निगोध को पांचवे कॉलम में ले, पांचवे कोठे में लेना, और सूक्ष्म निगोध को ही छठे कोने में कोठे में लेना. यानी अब ऐसा हम कहेंगे 17 नंबर जो सूक्ष्म निगोध है वो कौन सा है? पर्याप्त की जघन्य थी. उससे पांचवे कोठे में सूक्ष्म निगोध जो 28 नंबर पर है वो कौन है? अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगान है. उससे छठे कोठे में सूक्ष्म निगोध 39 नंबर पर है, वो पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगान है. इसके बाद यानी निगोध के 3 लिए ना हमने. अब फिर जाना वायु का एक की तरफ 18 नंबर पर. वो कितने गुना होगा? तो असंख्यात गुना. लेकिन वो किससे असंख्यात गुना लेना? 39 से. हम नंबर देखेंगे. देखो सूक्ष्म निगोध के 3 हमने नंबर देखे. चौथे कोठे में 17 नंबर, पांचवे कोठे में 28 नंबर, और छठे कोठे में 39 नंबर. सबको मिला? ये कैसे है? विशेष अधिक विशेष अधिक. अभी तक हम कैसे देखते थे? असंख्यात गुना असंख्यात गुना. हम 16 से 17 असंख्यात गुना कह दिया. अभी 4, 5, और 6 कोठे में जिसका नाम ले रहे हैं हम सूक्ष्म निगोध, फिर नीचे आना सूक्ष्म निगोध, और फिर और नीचे आना सूक्ष्म निगोध. वे कैसे हो गए? विशेष अधिक विशेष अधिक. बाद में फिर ऊपर जाना, वहाँ वायु का एक का नंबर आ जाएगा, यानी 18 नंबर. अब सूक्ष्म निगोध से, यानी सूक्ष्म निगोध पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से चौथे कोठे में सूक्ष्म वायु की पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना, पर्याप्त वो असंख्यात गुना है. देखो फिर से हमने क्या देखा? निगोध की उत्कृष्ट लिए ना, पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से ऊपर 18 नंबर पर जाना. वो क्या है? वायु कायिकी. कौन से? सूक्ष्म वायु कायिकी पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुना है. फिर वायु कायिक को पांचवे कोठे में लेना. निगोध से वायु कायिक असंख्यात गुना. वायु से वायु पांचवे में और छठे में विशेष अधिक. देखो जिसका नाम ले रहे हैं हम, पहले हमने सूक्ष्म निगोध का नाम लिया चौथे कोठे में, तो सूक्ष्म निगोध जो पांचवे कोठे में है वो विशेष अधिक, सूक्ष्म निगोध जो छठे कोठे में वो विशेष अधिक. फिर हम फिर चौथे कोठे में जाएंगे, वायु का एक की बात करेंगे, वो असंख्यात गुना होगा. इसका मतलब ये हुआ सूक्ष्म निगोध से दूसरे सूक्ष्म निगोध है, जैसे 17 से अपन इसमें आए 28 में, 17 से 28 विशेष है ना. हाँ, दूसरे जो वायु का जीव में जाएंगे तो वहाँ असंख्यात गुणा. हाँ, वो अपन छठे कोठे के बाद फिर चौथे वाले वायु में जाना. इसीलिए वो कोठे नीचे नीचे लिखे. 4, 5, और 6 कोठे जो है पहले निगोध के 3 ले लेना विशेष अधिक विशेष अधिक. फिर वायु का एक पर जाना, तब कहेंगे असंख्यात गुणा. फिर वायु का एक के ही 3 भेद ले लेना. यानी 18 वाला वायु का एक है, फिर 18 वाली वायु से 29 वाला जो वायु वो विशेष अधिक, फिर नीचे उसका नंबर क्या है? 40, वो विशेष अधिक. अब इसके बाद कौन कहेगा 40 के बाद नंबर किसका आएगा? हाँ, तेजस का एक जो 19 नंबर है वो कितना होगा? असंख्यात गुना. माने वायु वायु में विशेष अधिक. हाँ, कोई पल बदल गया उसका, जैसे हाँ, पर किसके यहाँ आने पर? 4, 5, और 6 कोठे के लिए ये बात. हाँ, विशेष अधिकार थे थोड़ा ज्यादा. देखो
हम कहाँ पर आए थे, वायु का एक 18 नंबर पर, वो कौन था, पर्याप्त की जगन्य अवगाहना थी वहाँ पर, उससे अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है, थोड़ी ज़्यादा है। विशेष अधिक का क्या अर्थ है, थोड़ी ज़्यादा है। पहले हम कैसे कहते थे, असंख्यात गुना कहते थे, थोड़ी ज़्यादा यानी दो गुना भी नहीं है, दो गुना भी होती तो दो गुना कह देते, संख्यात गुना कहते, यहाँ उतनी भी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है, यानी दो गुना से भी कम है, इसका अर्थ क्या है, उसको विशेष अधिक कहनी है, विशेष अधिक यानी थोड़ी अधिक। संख्यात में ही आएगी वो थोड़ी अधिक। ना ना संख्यात नहीं, नहीं वो तो विशेष अधिक हम जो कहते हैं ऊपर से नीचे विशेष अधिक, तो फिर वो विशेष अधिक में जो संख्या जो थोड़ा भी वो उसका कुछ भाग देके वो उसमें मिला देना है, वो असंख्यात में ही होगी, असंख्यात प्रदेशों में होगी वो, मतलब ऐड जो होगा वो असंख्यात में ही होगा, दो चार नहीं प्रदेश हो गए, क्योंकि ओरिजिनल में असंख्यात है, ओरिजिनल में असंख्यात है, उसके दो गुना नहीं करते हुए थोड़े करना है, उसका कोई भाग उसमें मिला देना है, वो तो असंख्यात में ही होगा। मतलब ये अपर्याप्त हाँ कितनी बड़ी होगी, देखो अभी आपको फाइंड आपको ढूंढना है, पहले नंबर पर सूक्ष्म निगोत था, वो उसकी जगन्य अवगाहना अपर्याप्त की थी। अब आप सबको सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कौन से नंबर पर है वो देखना है, अट्ठाईस नंबर पर, बराबर है, 28 नंबर पर है ना, यानी सूक्ष्म निगोद की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेकर 28 तक, तो एक से लेकर 27 तक तो कितने गुना 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 वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन में, वो 17 के आगे छोड़ दो, 17 तक तो हम कंटिन्यूस आए थे और 17 के बाद हमने 28 को लिया था, तो एक से लेकर 17 तक तो असंख्यात गुना में चली गई और 17 से 28 विशेष अधिक में चला गया, यानी इतनी रेंज सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की जघन्य से उत्कृष्ट की होगी। तो अवगाहना के कितने एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए कितने भेद हो गए ये ख्याल में लेना है हमको, असंख्यात गुणा वाला, ओरिजिनल ही असंख्यात था, ओरिजिनली 10-5 थे तो वो हम कहेंगे थोड़े ज़्यादा, पर ओरिजिनल ही वो असंख्यात से शुरुआत हुई थी, छोटा वाला असंख्यात था और उसको हमने कितनी बार असंख्यात 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 गुणा करते करते वो हम सूक्ष्म निगोद के ही उत्कृष्ट अवगाहना तक आ गए अपर्याप्तों की। इससे क्या कैसे लेना है उसको कंसिडर करना। अब सूक्ष्म वायु कायिक की जघन्य से उत्कृष्ट तक देखो, सूक्ष्म वायु कायिक जघन्य है 2 नंबर पर, तो देखो 16 तक तो असंख्यात गुना हुआ, फिर सूक्ष्म निगोद 17 नंबर पर असंख्यात हुआ, फिर सूक्ष्म निगोद विशेष अधिक हुए, फिर वायु का एक वाला वो पर्याप्त की जगन्य वो असंख्यात गुना हुआ, और फिर जाके 29 नंबर पर जो है वो असंख्यात विशेष अधिक हुआ, यानी वायु का एक के भी जगन्य से उत्कृष्ट तक इतने भेद हो जाएंगे, दो नंबर से लेके फिर 17 तक आना, 17 के बाद 28 लेना, 28 के बाद 39 लेना, 39 के बाद 18 लेना, 18 के बाद 29 लेना, ख्याल में आते हैं ना, ये कैसे पढ़ना इस टेबल को, यहाँ तो केवल तो उन्होंने नंबरिंग कर दिया है और कैसे पढ़ना वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया, पर वो तो पढ़ते तो ये पढ़ने जाते तो ये छूट जाता है, ये देखते तो वो छूट जाता है, और कहाँ पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, ये टेबल भी आप समझाते हो तो समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता। अरे हमने कितने बार समझा तब कहीं घुस गया हमारे अपने को पका पता है। अभी तेजस का एक की जघन्य देखेंगे, जघन्य कहाँ पर है अपर्याप्तों की, सूक्ष्म अपर्याप्त का जघन्य 3 नंबर पर है। अब 3 नंबर से 16 तक और 17 तक तो कंटिन्यूस असंख्यात गुना चले जाएंगे, 17 के बाद वो निगोदों के बीच में अवगाहना लेनी पड़ेगी, 17, 28, 39, फिर वायु का एक की 18 पर असंख्यात गुना होकर 18 के बाद 29 और 40 हो जाएगी, फिर तेजक का एक की हाँ तीसरे नंबर जघन्य था। तो इस तरह से इनके अवगाहना कहाँ जघन्य के कहाँ से कहाँ तक है अपर्याप्तों की,
फिर उसकी पर्याप्तों की जघन्य कहाँ से कहाँ तक है, ये सब हमें इसमें से पता चलता है। और वो कैसे हमको काउंट करना, किसके बाद कौन सा नंबर लेना है, ये बात इससे पता चल जाती है। यानी जो 4, 5 और 6 जो कोठे हैं उसमें जिसका जो जो नाम आता है, जैसे सूक्ष्म निगोद का नाम आया तो फिर चौथे में एक बार लेना, पाँचवें में विशेष अधिक लेना, छठे में विशेष अधिक, फिर ऊपर चले जाना वायु कायिक की तरफ, वो असंख्यात गुना, फिर वायु कायिक के क्रम से वो तीनों लेना, फिर आगे वाला तेजस कायिक असंख्यात गुना, फिर तेजस कायिक के लेना, फिर आगे वाले देखना, इस तरह से इसको गिनने का तरीका है। तो ऐसे ही ये सब विशेष अधिक हो जाएगा ना, यानी 49 के बाद किसका नंबर आएगा, 50 का नंबर आएगा। क्यों नहीं, अरे 49 के बाद नंबर किसका आएगा? अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसका नंबर 50 है, उसका नंबर 50 नंबर का है, उससे द्विंद्रिय भी असंख्यात गुना है, वो 51 नंबर पर है, यहाँ तक ही असंख्यात गुना है, यहाँ तक असंख्यात गुना है, बराबर। आगे जो है तीन्द्रिय चतुर्इंद्रिय वो 52, 53 वगैरह, वो क्या हो गए, संख्यात गुना हो गए, आगे लास्ट तक सभी संख्यात गुना है, 51 तक असंख्यात गुना, 51 तक असंख्यात गुना, फिर संख्यात गुना। क्यों वैसा है, इसलिए द्विंद्रिय से चतुर्इंद्रिय की अवगाहना कितने गुना है, तो संख्यात गुना कहेंगे हम। नहीं, कोई नहीं, वो तो असंख्यात वाली बात नहीं, निकल गई। हाँ, संख्यात गुणा, संख्यात वाली, भले वो 4 गुना हो क्या 1000 गुना हो, उसको संख्यात गुना ही कहेंगे हम। मनुष्य लेंगे तो पहले 2 फुट से बांधो, 2 फुट 1 इंच, कैसे ऐसे? नहीं, वो तो उसके एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सब हो गए, परंतु यहाँ हम एकदम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, किसी एक पर्याय के उत्कृष्ट से दूसरी, यानी तीन्द्रिय से चतुर्इंद्रिय की कंपैरिजन करेंगे या पंचेंद्रिय की कंपैरिजन करेंगे, उसकी बात यहाँ है। असंख्यात, हाँ। देखो अभी जरा एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, वैसे तो है इंटरेस्टिंग। सूक्ष्म निगोद के कितने स्थान हमने देखे, आपको देखना है सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के जघन्य से सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के उत्कृष्ट। अभी देखो 16 तक तो कंटिन्यूस हो गए ना, यानी वो एक नंबर छोड़ के आगे हमको गिनना है, अंतराल कितने हो गए, तो हम कहें ना 1, 2, 3, 4 आगे ऐसे, तो 16 तक, फिर 17 तक तो कंटिन्यूस आ गए, 17 के बाद किसका नंबर आया, 28। यानी उसमें कितने अंतराल चले जाएंगे, यानी 1 से 17 तक 16 हो गए और आगे 1 17 हो गए, तो हम कहेंगे 17 स्थान हुए। हमको इतना ही गिनना है, सूक्ष्म निगोद के कितने स्थान हो गए, 17, उसमें तो कितने ही असंख्यात गुना है, कोई विशेष अधिक है, वो उसकी बात छोड़ देंगे हम, कितने गुना है विशेष अधिक है उसके बाद छोड़ेंगे। सूक्ष्म निगोद के कितने मिले हमको, 17 मिले, यानी लास्ट में से वो पहला माइनस का अंतराल को गिनना है हमको, एक को नहीं गिनना, 1 से 17 तक कितने स्थान हुए, ते वो 16 और ये 28 वाला वो 17 हुए ना। अब वायु का एक के गिनो, वो 2 नंबर पर है, 2 नंबर से 17 तक गिनेंगे, 15 हुए, फिर सूक्ष्म निगोद के भी बीच में गिनने पड़ेंगे, क्योंकि वो बीच वाले हैं, इसलिए यानी 16 से 17 तक तो कंटिन्यूस है, 17 के बाद 28 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा और फिर 29 का नंबर आएगा, तो कितने हुए स्थान, सेम नंबर कैसे आए, कौन से कुछ अधिक वाले भी स्थान को गिनना है, वो कुछ अधिक हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, हमको स्थान गिनना है, 2 से आगे हमको गिनना है, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए, फिर 17, फिर 28,
फिर 39 यानी 17 तक, 2 से 17 तक तो कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद और दो निगोद के लेना, फिर वायु का और एक लेना और फिर 29 को लेना। हाँ तो कितने हो गए वायु के, ये मैं क्यों गिनना बता रही हूँ आपको। हाँ 19 हो गए, 19 हो गए, बराबर है। आगे की भी गिनना है, हाँ गिनो। तो मैं आपको वो टेबल, आपको वो मत्स्य रचना समझनी थी ना, हाँ इसीलिए मैं आपको ये स्थान गिना रही हूँ। जरा तेजस्काई के 3 नंबर के गिनो, 3 से लेकर 17 तक तो कंटिन्यूस आ जाएंगे, फिर 17, 28, 29, 39, फिर 18, 29 और 40, फिर तेजस्काई का 19 और फिर 30, इतने स्थान आपको गिनने हैं। सोलह, 22 और 1, 23, 24 हो गए ना। इक्कीस हो गए, 21। अभी जो हमने ये देखे अभी निगोद के कितने, हमने 17 देखे, बराबर है ना, और इसके 19 देखे थे वायु के, और इसके 21 स्थान देखे। अरे के दो दो स्थान आगे बढ़ जाएंगे। तो ये देखो पेज नंबर 212 निकालना है। ये स्थानों की चर्चा करते हुए उसको मत्स्य रचना के रूप में जो पेज है आपके बीच में वो खोलना, क्योंकि ग्रंथों में क्या लिखा है आचार्यों ने उसको थोड़ा अंदाजा तो लेंगे। उनमें तो आत्मा में स्थिर होना था, ये छोड़कर ये क्यों लिखते बैठे, टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए कि हमको विकल्प ज्यादा थे कि हमको तकलीफ देने के लिए लिखा। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीव है, आचार्य है, इतने उच्च कोटि के है, बारंबार आत्मानुभूति भी कर रहे हैं, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, ना उनका माथा दुखता ना हमारा दुखता। उनके लिए तो बहुत सहज है, हमारे लिए कठिन है। कुछ कठिन है, आपने कठिन मान के रखा है। हाँ क्रम से देखो, शिखर जी आपने चढ़ी कि नहीं चढ़ी, कितनी आसान थी बचपन में तो हम दौड़ के गए थे, फिर और जरा बड़े हो गए तो हफ्ते हफ्ते भी फिर भी कर ली हमने। अभी बूढ़े हो गए, जॉइंट हमारे काम नहीं करते, तो भी क्या करते, डोली में बैठ कर भी जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ ऊपर जाके क्या मिला आपको, अरे ये भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी कुछ कष्ट हो रहा है ना, तो डोली डोली में बैठकर आपको तो बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। अरे हमने कोई मेहनत नहीं की, आप जो जान रहे हो अपने अपने उपादान से जान रहे, हमने कुछ नहीं किया आपकी में, हमने आप में कोई हेरा फेरी नहीं की आप स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से समझ रही हो, नहीं समझ रहे हो देखो ये मत्स्य रचना मैं क्या बताया उन्होंने, ये हर एक जो हमने सूक्ष्म निगोद के अभी हमने स्थान कितने गिने, तो 17 गिने, तो एक स्थान के लिए 2 बिंदी लिखेंगे और उसको हम आड़ी लाइन में 34 बिंदी एक के आगे लिखेंगे। तो अभी देखो ये मत्स्य रचना का पेज निकालना, 212 के आगे वाला पेज, तो ऊपर क्या लिखा है, जीवों की अवगाहना स्थानों के प्रमाण में मत्स्य रचना, ये आचार्यों की बनाई हुई है, आचार्यों ने लिखी हुई है। ऊपर लिखते यह सर्व अवगाहना स्थानों की मत्स्य रचना है, अवगाहना के स्थानों की, अवगाहना के भेद तो एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए हैं उसके, नहीं एक एक स्थान को हमने एक एक नंबर दिया है। यहाँ जघन्य अवगाहना की ज, यानी ज जहाँ लिखेंगे उसका अर्थ है जघन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना के लिए लिखेंगे ऊ,
निबोध के लिए नी वायु का एक की वाँ इत्यादि आदि अक्षर रूप सहनानी जाना, सहनानी यानी चिन्ह सिंबल, 34 आदि बिंदियों की संख्या जानना, यानी जहाँ 34 वगैरह, अभी ये पहली लाइन में 34 बिंदियाँ हैं, दूसरी लाइन में 38 38 बिंदियाँ हैं, पांचवी पंक्ति तक सूक्ष्म अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना है, इसलिए सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य सु अ ज लिख कर आगे आड़ी रेखा खींच कर पांचवी पंक्ति लिखी है। इसी तरह 11वीं और 16वीं पंक्ति तक बादर अपर्याप्तों की सहनानी बा अ ज जानना। अभी हम पहली लाइन ऊपर से पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, नी ज निगोद की जघन्य, और राइट साइड में लिखा है ऊ, यानी उसी निगोद की उत्कृष्ट, और आगे लिखा है अ, यानी अपर्याप्तों की है, यानी निगोद अपर्याप्तों की, कौन से सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अवगाहना के ये अलग अलग जो बीच वाले स्थान है वो कितने, हमने 17 गिने थे, एक स्थान के लिए दो बिंदी लिखना, तो ये आप गिन लो बराबर है कि नहीं, जरा देख लो, ये 34 है बिंदी। अभी आगे क्या है, विनोद भाई याद है ना कितनी मेहनत की है, ये हमारे विनोद भाई ने बनाया ये चार्ट, एक एक बिंदी गिनकर कहाँ कितनी लिखना है, कहाँ कहाँ से शुरू करना। देखो वहाँ जो लिखा है ना, वायु का एक जघन्य, वायु का एक जघन्य दो नंबर पर था, दो नंबर पर था इसलिए पहले स्थान के दो बिंदी छोड़कर आगे से शुरू हुआ है, इसलिए सेकंड लाइन ऊपर की तीसरी बिंदी से नीचे की सेकंड वो स्टार्ट हुई, ख्याल में आई ना बात, और वहाँ से लेकर एक स्थान के लिए दो बिंदी, ये संदृष्टि है। हाँ ऊपर बताए ना 34 आदि बिंदियों की संख्या, परंतु यहाँ एक स्थान के लिए दो, ये कहाँ लिखा है, 212 पेज निकालो, नहीं वो दूसरा पैराग्राफ, 212 पेज पर उसी लेफ्ट साइड में देखना, सेकंड पैराग्राफ मिला उसी मत्स्य रचना के आगे, पुराने पुस्तक में मत्स्य रचना अलग जगह है, और अभी ये जो नई पुस्तक है ना ये सेकंड एडिशन है, पहली एडिशन ख़त्म होके 5 साल बीत गए थे, बहुत डिमांड थी और छापने का हमें ढाढ़स नहीं था, क्योंकि वो सारे वो हमारे ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ यानी वो बराबर नहीं रहे थे, इसलिए फिर दोबारा पूरी DTP वगैरह करके बहुत मेहनत की बात ये हमारे विनोद भाई ने संभाली है, तो इसलिए ये पुस्तक आपके हाथ में आ गई है, ये सेकंड एडिशन है, बहुत सारा सुधार करके उसमें जहीं कहीं मिस्टेक्स थी उसको भी सुधारा है। तो ये सेकंड पैराग्राफ, प्रथम सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त के जघन्य अवगाहना स्थान से लेकर उसी के उत्कृष्ट पर्यंत 17 स्थान है जो हमने आपने गिने थे, उसमें से 212 पेज मिला, पुराने में मिला क्या नहीं, हाँ उसमें से 16 गुणित स्थान है यानी गुणकार रूप में, और एक अधिक स्थान है, सो प्रथम आदि यानी एक एक से एक एक स्थान की दो दो बिंदी की संदृष्टि करने, इसको संदृष्टि करते हैं, एक स्थान के लिए दो बिंदी लिखेंगे, वहाँ हमने दो बार लिखा तो उसका अर्थ हुआ था अनंत बार, यहाँ एक स्थान होता है वहाँ लिखेंगे दो बार बिंदी करेंगे, एक के आगे एक ऐसी 34 बिंदी ऊपर की पंक्ति में लिखनी, यह हमने मत्स्य रचना के पहली लाइन में 34 बिंदी लिखी है। यहाँ सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त का जघन्य स्थान पहला है, उत्कृष्ट स्थान 18वां है, तथापि गुणकार पनारूप और अधिक पनारूप अंतराल 17 ही है, यानी उसके बीच के अंतराल नापने, इसलिए 17 ही स्थान लिए है, इसी तरह आगे भी जानना। तो निगोद के जघन्य से उत्कृष्ट तक 17 स्थान हमने गिने हैं, 17 दिन 34 बिंदी यहाँ लिखी है। वायु का एक जघन्य जो सूक्ष्म की है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में क्या लिखा है, सु अ ज, यानी वहाँ तक के सभी सूक्ष्म अपर्याप्त के जघन्य थी, तो वहाँ ज की 38 बिंदी है, यानी वो कितने हैं उसमें 19 स्थान थे अंतराल वाले,
फिर तेजस का एक के कितने, ये 42 बिंदियाँ हैं, 21 स्थान उसके हुए। कैसे काउंट करना, कैसे गिनना, हमने आपको बताया था। फिर अजैन अपकायिक जगन्य से उत्कृष्ट तक 46 बिंदी है। देखो वो हर एक का स्टार्टिंग तीसरे नंबर ऊपर का, जो ऊपर के लाइन की तीसरी बिंदी है वहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो आगे आगे के नंबर पर स्टार्ट हुआ है, इसलिए सबको एक ही के नीचे एक नहीं लिखा है, पहले स्थान के दो बिंदी छोड़कर आगे लिखा है। देखो नी जो है वो जहाँ से शुरू हुआ है, वायु का एक का जघन्य सेकंड स्थान पर है, तो पहले स्थान के दो बिंदी छोड़कर वहाँ से शुरू हुए, क्योंकि वो सेकंड स्थान पर है ना। जो थर्ड स्थान पर है उसके आगे दो बिंदी छोड़कर उसका तेजस का एक का वहाँ से शुरू हुआ है। हर एक को दो दो बिंदी आगे छोड़कर चालू है, ऐसे निगोद नी वा ते अ प्रु वहाँ तक तो ऐसे ही बढ़ते हुए। राइट साइड में उसकी संख्या देखो, 34 बिंदी है, 38 बिंदी है, 42 बिंदी है, 40 बिंदी है, 50 बिंदी है, 54 बिंदी है। फिर उसके बाद वो बादर के चालू हो गए, 6 लाइन तो बादर की आ गई। ये 50 के बाद 54, 58, 62 इस तरह से बढ़ते बढ़ते गए, 74 तक तो बढ़ते गए, बादर अपर्याप्त जघन्य तक तो बढ़ते बढ़ते गए। फिर उसके बाद अप्रतिष्ठित की जघन्य ले लिए, वो बादर के अपर्याप्त की जघन्य थी, अप्रतिष्ठित बींद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। और उसमें जो देखा उसमें हीना दिखे, यानी वो अभी उसका शेप कैसा अलग से हो गया, ये मछली जैसी रचना दिखती है इसलिए उसको मत्स्य रचना ऐसा नाम है। तो जिसके जितने स्थान गिनकर बिंदी आएगी उतने स्थान तक उसको यहाँ बताया। तो ये नबीच वाली जो है ना अप्रतिष्ठित के, वो 92 तक गए हैं, और फिर आगे द्विंद्रिय के कम है, तीन्द्रिय के कम है, परंतु कम यानी यहाँ से भी 3 नंबर पर शुरू है और वहाँ पर भी थोड़े कम है इस तरह से। और उसके बाद सबसे लास्ट लाइन में, वो 17वीं लाइन में, एक ही लाइन में विशेष अधिक लिख है, यानी विशेष अधिक में देखो सूक्ष्म पर्याप्त के जगह निज वाज हर एक के लिए 4 बिंदी लिखते लिखते आगे चले गए। इस तरह इसका अर्थ समझना। और ये जो टोटल दिखाई देता है वो मछली जैसे आकार की रचना दिखाई देती है, इसलिए उसको कहेंगे मत्स्य रचना। कुछ ख्याल में आई बात, कैसे उसको काउंट करना? यानी वो बनाने में बहुत मेहनत पड़ी है। मेरे ख्याल से पहले एडिशन में कुछ वो नीचे वाली बिंदियों में कुछ घोटाला है, हाँ वो सेकंड एडिशन में ठीक कराया है। तो ये हो गई मत्स्य रचना। तो इससे हमें क्या फायदा जानने से, तो हमने ये देखा, तो देखो इसमें एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के भेद कितने हो सकते हैं। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जो घनांगुल का असंख्यातवा भाग है, उसमें एक 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 प्रदेश, यानी अभी दूसरे, अभी हम जो स्व क्षेत्र परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है, तो किसी जीव ने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्राप्त की, अपनी आयु भोग कर मरा, जब जन्मा तो कौन सी पर्याय में जन्मा, कहीं पर भी जन्म ले सकता है ना। सूक्ष्म निगोद मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तीरंचों में जा सकता है, मनुष्य में भी जन्म ले सकता है, मनुष्य पर्याप्त भी हो सकता है अपर्याप्त भी हो सकता है, हाँ देवनारकी नहीं होगा, परंतु इनमें से किसी भी पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। उसको कौन से पर्याय में उत्पन्न होना है, सूक्ष्म निगोद ही, और वो एक प्रदेश बढ़कर अवगाहना के साथ उत्पन्न होना है, और बीच में अन्य अन्य पर्याय में चला जाएगा और उसको वहाँ अवगाहना नहीं मिलेगी, तब तक वो पूरा काल उसको गिनना है, परंतु उसका क्रम नहीं गिनना, क्रम तभी गिनेंगे जब उस विशिष्ट उतनी ही अवगाहना के साथ जन्म लेगा। उसके बाद फिर और एक ही प्रदेश बढ़कर, अब प्रदेश कितना सूक्ष्म है, और बस उतनी ही अवगाहना के साथ वो उत्पन्न होना चाहिए, फिर कहाँ चला जाएगा क्या पता, किसी भी पर्याय में घूमकर किसी भी अवगाहना के साथ फिर वापस उस अवगाहना के साथ वहाँ जन्म लेगा। तो इस तरह से अवगाहना के इसका अर्थ क्या होता है,
हमने ये स्वक्षेत्र परावर्तन कितनी बार किए हैं, याद है? अनंत बार। तो हमने ये सभी अवगाहना के भेद पाए कि नहीं पाए? सभी अवगाहना के भेद पाए, फिर भी हम क्या चाहते हैं? बहू लानी है तो क्या करा? हमारा बेटा बहुत ऊंचा है, कहाँ गई वैशाली हमारी? वो हमें कहते हमारा बहुत हाइट वाला है, बहू कैसी लाएंगे हम? हाइट वाली चाहिए? अरे वाह, अरे वाह, छोटी नहीं चलेगी। मैंने स्टोरी बताई थी मेरी मौसी की, याद है कि नहीं है? नहीं याद है। मेरी मौसी है, मेरे से 2 साल छोटी है। हाँ, उस जमाने में ऐसा चलता था। उसका लड़का 5 फुट 11 इंच, 6 फुट समझो ना। तो बहुत लड़कियां देखी, पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे करते करते कहते एक दिन फोन आया कि उज्ज्वला एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लड़के ने लड़की पसंद कर दी है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो लड़की है 4 फुट 10 इंच की। तब हम क्या करें? क्या करना, क्या 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 करना, क्या चाहती है? नहीं नहीं, वो कैसे होगा, क्या होगा? तो मैंने उसको बोला, लड़के को लड़की पसंद है, एक फुट भर मांस और हड्डी लेके तो क्या करने वाली है? क्या हुआ फिर आगे बोलो। हाँ, हो गई शादी, हो गई, और अभी क्या, वो कैलिफोर्निया में मजे से रह रहे। ये सारे हैं ना, ये दूसरे मौसी की लड़की है, इसलिए उनको पता है सब क्या है। तो हमने अवगाहना के कारण, हाइट के कारण अपने को थोड़ा बड़ा माना, और किसी को हाइट के कारण हीन मानते हैं। हम भी अपने को हाइट या अन्य जो अवगाहना के कारण, कोई मोटा होगा तो अरे अरे मैं कैसा हूँ, छोटा होगा तो, यानी इसी में हमने अपना स्वरूप मान लिया है, मैं शरीर रूप हूँ, और ये अवगाहना इतनी होगी तो अच्छा है, और ये कम होगी तो बुरा है, यानी ये तो हमने तो अवगाहना के भेद कर ही लिए हैं, परंतु अभी भी हम इस अवगाहना के द्वारा ही अपना स्वरूप निश्चित करते हैं, और उसी के कारण अपने को हीन या बड़प्पन मानते हैं उसमें। बड़ी हो जाती है जन्म के समय वाली, यहाँ तो जन्म के समय वाली ले लेना है, जन्म की होगी, उसके संमूर्छन होते हैं तो वहाँ पर भी जन्म की तो छोटी होगी, बाद में बड़ी हो जाएगी उसके। तो इस तरह से ये हमने अवगाहना के भेद देखे हैं, ये सारे स्वक्षेत्र परिवर्तन में क्रम से एक एक प्रदेश की बढ़ती हुई अवगाहना, जब जब ये जीव प्राप्त होगा उसको गिनना, बीच बीच में अनंत 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 काल अन्यथा चला जाएगा उसको भी गिनना, परंतु उस क्रम को नहीं गिनना। इस तरह ये स्वक्षेत्र परावर्तन हमने देखा है। अब ये जन्म वाली आपने कहा कि जन्म वाली अवगाहना लेना छोटी होगी, तो महामत्स्य जो पैदा होता है तो वो जन्म से तो छोटी इतना नहीं होगा। हाँ, तो उसमें भी कहने के लिए कहते इतनी सब अवगाहना के भेद को पार लिया, अभी उसमें यथायोग्य समझ लेंगे हम। यही अपनी बात पूरी होती है, बाकी परक्षेत्र परिवर्तन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। बोलो 2400 भगवान की।